ये तो जांच का विषय है। प्रथम दृष्टया जो मैंने डीएसपी से बात की थी और बात की है बाकी लोगों से भी, तो ऐसा मामला मेरे सामने नहीं आया। फिर भी अगर ऐसा मामला आया है और उसके परिजनों को सुनना होगा हम लोगों को, और उसमें विशेष रूप से जांच करनी होगी कि क्या मामला है। जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसको निश्चित रूप से ऐसे कार्य के लिए बख्शा नहीं जा सकता। पुलिस आता था और फ्री में सब्जी मांगता था, सब्जी नहीं देने के कारण जो है मेरा बच्चा का जूठा आरोप लगा करके उसको जेल में भेज दिया गया। मेरा बच्चा सब्जी बेच करके अपना घर पर था और घर पर से पुलिस जो है यह कहते हुए ले गया कि आपको बड़ा बाबू थाना पर बुलाए हैं, कुछ काम है। बच्चा जब नहीं जाने लगा तो उसको जबरदस्ती जीप पर बैठा करके आगम कुमार थाना में ले गए, और वहाँ जब हम लोग गए तो वहाँ हम लोग को कहा कि सर हम लोग आपको बच्चा को यहाँ नहीं लाए हैं। जब पत्रकार नगर थाना में हम लोग गए कि यार भाई यहाँ आप लोग लाए हैं, तो वो लोग भी कहा कि हम लोग नहीं लाए हैं। एक दिन बीत गया, दूसरा का दिन फिर हम लोग अपहरण का केस करने के लिए बच्चा के बारे में गए पत्रकार नगर थाना में। तब ने उसने कहा कि आपका बच्चा जो है व्यापार आगम कुआं थाना में ही है, वहाँ जाइए। जब आगम कुआं थाना पुनः आए तब इन्होंने खुलासा किया कि आपका बच्चा जो है बाईपास थाना में है, वहाँ जाइए। जब बाईपास थाना गए तब वहाँ वो लोग कहा कि आपका बच्चा के ऊपर मोटरसाइकिल चोरी का आरोप है और डकैती करने का वजना का आरोप है, और उसको हम लोग जेल में भेज दिए। कि ऐसा क्यों हुआ तुम्हारे साथ और लोग के साथ क्यों नहीं होता है? तब बच्चा जो है हमको बताया कि इस तरह का मामला था, जो हमको उससे सब्जी लेता था नहीं देने के कारण जो है पुलिस हमको धमकी दिया था कि तुमको समझा देंगे, नहीं दिया तो वो हम लोग को बहाना बना के बड़ा उसे मिलने का बहाना बना करके हम लोग बुलाया और केस झूठा आरोप लगा के कैसे फंसा के जेल भेज दिया।